जो सीता जैसी बेटी मिली उनको, जिसने इतना दुख सहने के बाद भी सभी शिकायत नहीं किया कि हाँ पिताजी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जैसे आज की जनरेशन में होता है। इसीलिए तो वो माँ है, उनके लिए कहना है क्या कि माँ बलुता उनकी माता क्या लुटाती है कि कैसा लगा।
छोटू थोड़ा इधर आ जाओ। कि गीतों की धड़कन लिए गुनगुनाने आए हैं, गीतों की धड़कन लिए गुनगुनाने आए हैं, दो चार पल की जिंदगी में मुस्कुराने आए हैं। हम रूबरू हैं आपसे, ये मेहरबानी आपकी, हम रूबरू हैं आपसे, ये मेहरबानी आपकी, आप ही के खातिर ये समा सजाने आए हैं। तो एक बार ताली हो जाए, जितने लोग भी हैं एक बार मीठी मीठी ताली। और एक और सॉन्ग आप सभी ने सुना होगा, मेरी राखी की डोर, मेरी राखी की डोर, कभी हो ना कमजोर, मेरी राखी की डोर, कभी हो ना कमजोर, पिया दे दो गलाई, मेरी राखी की डोर, कभी हो ना कमजोर, पिया दे दो गलाई, मेरी राखी की डोर, कभी हो ना कमजोर, मेरी राखी आता है तो कुछ लोग जरूर ये स्टेटस पे लगाते हैं, कितना पावन। और कहना है क्या, ये हर साल बजता है, ये मेरी खुशनसीबी है, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन ये सॉन्ग मेरा बजता है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना है क्या, कि नाता भाई बहन जैसे धरती गगन, माता भाई बहन जैसे धरती गगन, दोनों ऐसे मिले सच में ही चमन, दोनों ऐसे सच में ही चमन, एक ही बगीचे से, एक ही पेड़ से दो पौधा होता है, एक भाई एक बहन। बहन दूर देश चली जाती है और भाई उससे दूर होके अपने घर रहता है। वो अपने घर भी कहाँ रहता है, लोग कहते हैं कि लड़कियों की विदाई होती है, लेकिन मेरा थोड़ा मानना अलग है। मैं कहती हूँ कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी विदाई होती है, ऐसा है क्या? लड़कियां तो ससुराल जाती हैं, लेकिन लड़के नौकरी करने जाते हैं, अपना घर छोड़ के, अपना गाँव छोड़ के परदेश में जाते हैं। और कहना है क्या,